देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत संपूर्ण शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने किसी को भी बाहर जाने की अनुमति देने से रोक दिया है। वहीं शहर में गरीबों को भोजन बांटने वाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। सड़कों पर फालतू घूमने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब सख्ती की जाएगी। वहीं संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खजराना पहुंचे, जहां उन्होंने लॉकडाउन में सख्ती बरतने की बात कही है। देखिए, पहला तो ये है कि जो निजी अस्पताल हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं, सभी तरह के पेशेंट्स का इसमें इलाज चले। कुछ अस्पतालों को सर्दी खांसी और सांस लेने की तकलीफ के लिए आइसोलेट कर देंगे हम लोग। कोविड के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ डेडिकेटेड अस्पताल 2-3 फिक्स हो जाए जिसमें केवल कोविड पेशेंट अगर आइडेंटिफाई होता भी तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे उसको। और अस्पतालों का मैनेजमेंट मेन है। नंबर टू, जो हमारे एरियाज में ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं, जैसे रानीपुरा हो गया, नयापुरा हो गया, चंदन नगर, खजराना हो गया, हाथीपाला हो गया, यहाँ पर इनमें हम लोगों को स्क्रीनिंग करानी है। उसकी टीम अभी हम लोग रवाना कर रहे हैं, आज पूरा रानीपुरा टेकअप कर रहे हैं। पुलिस के एडिशनल एसपी साहब भी हैं। ये बोला गया है कि जो ये रोड है प्रैक्टिकल इस पूरे मोहल्ले में जहाँ से केसेज आ रहे हैं, इसको पूरा लॉकडाउन कर रहे हैं इस मोहल्ले को। अभी इस तरह के जितने भी एरियाज हैं हम लोग को पूरी स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। जो दवाइयाँ देनी, प्रोफिलेक्सिस ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि HCQS दवाई देते हैं, क्लोरोक्वीन टाइप की दवाई रहती है, वो दवाइयाँ बंटवा रहे हैं 55 साल से ऊपर के लोगों के लिए, और जिनको डायबिटिक है या अलग अन्य बीमारी एक्सेप्ट हार्ट की डिजीज़ हो। हार्ट की डिजीज़ में ये दवाई एकदम से नहीं देंगे बगैर मेडिकल ट्रीटमेंट के, बाकी सबको जो दवाई के डोज देना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं इनिशियल। अगर उसमें किसी का कुछ पॉजिटिव या कोई सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं उसको हम लोग आइसोलेशन में ले जाएंगे MTH में। जो क्वारंटाइन का है, कई लोगों को यहाँ से क्वारंटाइन में ले जाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग मैरिज गार्डन्स कुछ लेट टेकअप कर रहे हैं बाईपास के, वहाँ खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हलवाई वहाँ लगा रहे हैं ताकि सुबह से लेकर रात तक उनको खाने की व्यवस्था रहे उनकी। और इसके बाद फिर शहर का टोटल लॉकडाउन करना है, तो मेरा उसमें आप लोगों से सहयोग, मीडिया और मीडिया का, आप लोग भी सुरक्षा का ध्यान रखें, सभी लोग मास्क लगाएं, हाथ में ग्लव्स पहनें, कृपया ऐसे ना घूमें आप लोग। ऐसी बाकी लोगों का भी है जो स्वयं से भी संगठन खाना बंटवाने के नाम पर पूरे शहर में भीड़ इकट्ठा हो रही है। मैंने स्ट्रिक्टली पुलिस कंट्रोल रूम को बोला है, सभी TIs को मैसेज हो गया है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया स्वयंसेवी संगठनों से, हमें जरूरत पड़ेगी, मैं सबको जानता हूँ, मैं बुला लूँगा उन लोगों को, हम व्यवस्था अलग से करा रहे हैं, 5-10 हज़ार पैकेट बनवाने की अलग से हम लोग लोगों को डिप्यूट कर रहे हैं, जनता के बीच से लोगों को उनके माध्यम से हम बंटवा देंगे। पर जो स्वयंसेवी संगठन पूरे शहर में घूम रहे हैं, अभी भिड़ अभी मैंने आया तो MYG के सामने भीड़ लगी थी, मैंने वहाँ TI सबको भेजा था, मोबाइल को भेजा है कि उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें वो भी घर जाएं, भीड़ भी इकट्ठा ना करें। ये सारे दूसरे जो बच्चों लोगों के लिए ये हुआ था, थानों में भीड़ लग रही थी परमिशन लेके बाहर जाने का, वो भी स्ट्रिक्टली हमने मना कर दिया है पुलिस को। कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा जिस हॉस्टल में रह रहा है, उस हॉस्टल संचालक की जिम्मेदारी है कि बच्चा जब तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं वहाँ बच्चे को खाने पीने की व्यवस्था हो, हॉस्टल संचालक उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कहीं अगर बच्चों को तकलीफ होगी तो संबंधित हॉस्टल संचालक जिम्मेदार माना जाएगा। जो लेबर आई हुई है, जिन ठेकेदारों ने लेबर बुलाई है, जिस प्रोजेक्ट में लेबर आई है, उस प्रोजेक्ट के मालिक का या ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि लेबर के रुकने की और खाने की संपूर्ण व्यवस्था करे। अगर उनको तकलीफ होती है खाने पीने की तो हम लोग तो व्यवस्था कराएंगे लेबर की, पर वो जिम्मेदार वही माना जाएगा। इसलिए जो भी परमिशन दी जा रही थी उसको बंद कर दिया गया है, कोई बाहर नहीं जाएगा, जो जहाँ है वहाँ रहे। अब धीरे धीरे सख्ती करेंगे हम लोग, तो आप सबसे भी अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप लोग, और प्लस बहुत ज़्यादा ना घूमें आप लोग, जहाँ आवश्यकता हो रही वहाँ घूमें, क्योंकि कुछ दिन में नियंत्रण आ जाएगा। यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव, पूरा शहर चाहता है, जो मेरी बात है, पूरा शहर कम्प्लीट लॉकडाउन चाहता है यहाँ पर, तो शहर की ही मंशा है कि लॉकडाउन हो, शहर सुरक्षित रहें लोग, ये रोग ना फैले कहीं पर, और जहाँ आ भी गए हम लोग नियंत्रित कर लेंगे उसको कंप्लीट। हम लोग PPE किट बना रहे हैं, हम लोग अस्पतालों की व्यवस्था कर रहे हैं, निजी अस्पतालों से मीटिंग ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किसी को भी स्वास्थ्य के संबंधी होगी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ खाने की असुविधा होगी 2-3 दिन में पूरी व्यवस्था बन जाएगी, खाने की असुविधा कहीं नहीं होगी, पर एक बार कम्प्लीट लॉकडाउन की शुरुआत करनी जरूरी है, जिसको आज और कल से शुरू हम लोग करने जा रहे हैं। नहीं, 1-2 दिन की थोड़ा समय चलेगा। सर, एक चीज़ और देखी जा रही है कि निजी हॉस्पिटल जो है, चाहे वो गायनिक के पेशेंट हो, जो गर्भवती महिला, इसीलिए मैंने आपसे बोला है सरकारी हॉस्पिटल नहीं, नहीं वो करना पड़ेगा उनको, उनको वही बात कर रहा हूँ मैं उनसे। सर, एक और समस्या आ रही है कि जो किराना सामान या इस तरह की जो सब्जियाँ, फल, सब्जी जो भी है, वो चौगुना दाम पर मिल। देखिए, किराना सामान तो अधिकांश लोगों ने स्टॉक कर लिया है, कहीं कमी नहीं है। मैंने तो गरीब बस्तियों तक भी पता किया है, कहीं कहीं दिक्कत है, वहाँ हम लोग खाना बंटवा देंगे, वहाँ ड्राई राशन के पैकेट्स बनवा रहे हैं, भिजवा देंगे हम लोग, उसमें अलग से वॉलंटियर्स लगा रहे हैं हम लोग, वो व्यवस्था कर लेंगे। पर अधिकांश जगह पे 90% से ऊपर जगहों पे खाना स्टोर हो चुका है। यहाँ रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।